इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की सब क्लास कैलिक्रेटा की क्लास पिकनोगा को डिस्कस करेंगे क्लास पिकनोगा के मेंबर्स जो हैं उनको हम सी स्पाइडर्स कहते हैं ये सारे के सारे मैरीन हैं और कॉमन हैं कोल्ड वाटर में पिक्नोगिड्स जो हैं ये कहाँ रह सकते हैं ओशियन के फ्लोर पे और फ्रीक्वेंटली दे यूजुअली फीडिंग इनकी क्या है कनाइडीरियंस या ट्रेटा के पॉलिप्स जो हैं वो इनकी फूड हैं इसके अलावा एक्टोप्रॉक्स जो हैं उनको भी ये एज अ फूड यूटिलाइज कर लें कुछ सी स्पाइडर्स जो हैं यूजुअली इनकी फीडिंग हैबिटेट में सकिंग है सकिंग प्रे जो है इसके टिश्यूज़ हैं डिफरेंट एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको एज अ सकिंग प्रे ये, ये यूज़ करेंगे उस परपजस के लिए जो इनकी बॉडी में स्ट्रक्चर डेवलप्ड हैं उसको हम कहेंगे प्रोबोसिस प्रोबोसिस जो है इसके अलावा जो दूसरे हैं इनके अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है कैली के उसकी हेल्प से ये बॉडी को टीयर पान करके एज अ फूड यूज़ कर लेंगे फिर पिक्नो जो हैं डायोशियस हैं इनकी मेल और फीमेल स्पेसिमेंट्स जो हैं दे आर सेपरेट गोनेड्स जो हैं वो शेप्ड हैं और इसमें ब्रांचेस जो हैं गोनेड्स की दे एक्सटेंड इन टू द ईच लेग अब गोनोपोर्स जो हैं नॉर्मली वो स्ट्रक्चर हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द स्पम्स एंड एग्स आउटसाइड द बॉडी अब गोनोपोर्स जो हैं दे आर ऑन वन पेयर ऑफ लेग्स फीमेल्स जो हैं दे विल प्रोड्यूस एग्स जो हैं दे आर नॉर्मली रिलीज्ड इसके बाद मेल्स जो हैं दे विल प्रोड्यूस स्पर्म्स एग्ज एंड स्पर्म्स दे विल यूनाइट थ्रू फर्टिलाइजेशन एंड देन जयगोड विल डेवलप और फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं दे आर सीमेंटेड इन टू सफेरिकल मैसेज एंड आफ्टर दैट दे आर अटैच थ्रू अ पेयर ऑफ एलोंगेटिड अपनडिजिज ऑफ द मेल उसको हम कहेंगे ओविगर्स अब यहाँ पर जो है This structure will be brooded till the time it goes for the process of hatching. class Pycnogonida, here is a sea spider. Its body is looking like spider. Here, Calicri, these are the structures which are known as Calicri. And this is Ovigar, these are the palps. this is abdomen so class pycnogonida is sea spiders they are important animals that live in the sea